नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद हुआ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यानी छात्र राजनीति मैंने शुरू किया। मैं एमए पीएचडी तक पढ़ाई की मगध विश्वविद्यालय बोधगया से। मूलतः मैं बिहार के रहने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छा पहल है और कहिए कि एक तरह से पूरा भारत का दृश्य दिख रहा है और यहाँ पर सारे दल से ऊपर उठ करके दल में रह करके जो एक दल के प्रति अपना जो और एक दूसरे दल के प्रति जो एक एक दीवार खड़ी रहती है वो सारा दीवार यहाँ टूट गया है और सब लोग एक अपना राज्य के प्रति देश के प्रति सब लोग एकजुटता के साथ यानी संपूर्ण भारत की एकता आज यहाँ दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा ही पहल है क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर हर फैकल्टी के लिए कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूशन है और लोगों को लगता था कि कुछ काम नहीं है तो राजनेता बन गया, राजनीति शुरू कर दिया। तो इसके लिए एक प्रशिक्षण और एक इंस्टीट्यूशन है तो ये बहुत अच्छा है। इससे जो भी लोग निकलेंगे तो राजनीति के प्रति समाज के प्रति उनका एक विजन होगा। एक बहुत अच्छा पहल है। देखिए जो भी कोई मुसीबत आता है उसके लिए सब लोगों के साथ मिल करके और हम सब लोग उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं और जब कोई जनप्रतिनिधि जब आगे खड़ा होता है तो उसके पीछे स्वाभाविक रूप से लोग भी खड़े होते हैं, जबकि ईमानदारी और निष्ठा के साथ आदमी को आगे आना चाहिए। देखिए मैंने तो चुनाव कभी नहीं लड़ा, मैं राज्यपाल नॉमिनेट MLC हूँ, लेकिन कई चुनाव लड़ाने का मैंने काम किया हूँ, कई लोगों को चुनाव लड़ाया हूँ। तो चुनाव में खास करके जनता को मान सम्मान चाहिए, उनको एक जो भी कुछ समस्या लाते हैं तो उसको ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। तो लोग जो राजनेता या जो लीडर बढ़िया से पब्लिक की बात को सुनते हैं तो पब्लिक को उनके प्रति उस नेता के प्रति उनकी एक अच्छी धारणा बनी रहती है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए कि उनकी जो राजनीति करने का जो एक मापदंड था, शुचिता था, पारदर्शिता था, तो इस कारण अपने उनके जीवन में जो भी उनका एक छाई था वो मुझे प्रभावित किया। देखिए सबसे अच्छी विशेषता है पारदर्शिता, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए और जब आपके अंदर पारदर्शिता रहेगी तो लोग आपको सम्मान भी करेंगे आपको। मेरे सार्वजनिक जीवन का जो है एक बार भूकंप आया था बिहार में और उसमें जो हमको सेवा करने का अवसर मिला और उस सेवा के माध्यम से हम लोगों को हमने जो सेवा प्रदान किया उससे जो लोगों को फायदा हुआ, लाभ हुआ, जो भी हो उनको, तो मुझे एक आत्मा की संतुष्टि मिली कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। जरूर देंगे। जैसे हर विद्यार्थी कहता है कि किसी भी विद्यार्थी से कोई पूछता है क्या करोगे तो कहता है UPSC तैयारी करेंगे, हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। उसी तरह से आने वाला समय में कोई विद्यार्थी कहे कि हम भी राजनेता बनेंगे, जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, तो अब सब लोगों को लगता है कि हम भी राजनेता बन सकते हैं।